अब्दुल्ला जी, नाराजगी का जी मुद्दे आप, रख लो अपने चेहरे पे। मैं तारिक फतेह जी के पास जाना चाहती हूँ। और तारिक फतेह साहब, क्रिएटिव फ्रीडम, ये क्रिएटिव फ्रीडम है। और जब जब लीना जी ये ट्वीट करके कहती हैं कि आप लोग ये लिखिए कि वी लव लीना क्योंकि हमने जैसी फिल्म बनाई है, आप ये मत कहिए कि डाउन विद लीना या ट्रोल मत कीजिए, तो क्या उन्हें पता नहीं था कि ये किसी को हर्ट कर सकता है? वॉज शी इनोसेंट? क्या क्या उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई? क्या बिल्कुल बोनाफाइड उन्होंने ये फिल्म का टाइटल और ये पोस्टर बनाया? देखिए, उनको ये भी पता है कि दी एग्जीबिशन विल बी डन इन अ मुस्लिम हॉल, आगा खान जो वो है सेंटर है वहाँ पे, शी इज टेकिंग हर लिबर्टीज, क्योंकि उनको पता है कि कोई हिंदू आके गर्दन नहीं काटेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तो खलिस्तानी आपके बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी बड़े बैठे हुए हैं, ये काम रह जाता है उन लोगों का जो कहते हैं कि हमें तैश नहीं आना चाहिए, और तैश आ जाता है, बड़ा आसानी से आता है, एंड यू गेट प्रोवोक। अब प्रॉब्लम ये है, जिनको गारंटी है कि कोई रिएक्शन नहीं होगा हिंदुओं की तरफ से, वो अपनी एक्सटेंड करते हैं फ्रंटियर एंड दे कीप पुशिंग। हमें तो पता है मुसलमान के हम पे ये फतवा लग गया कि इस्लाम से खारिज है, तो माई बिहेडिंग विल बिकम जस्टिफाइड। ये अभी मेरे ख्याल है इंडिया में लोगों को समझ में नहीं आया है कि क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव मुस्लिम लीडरशिप पैदा होती जो ढंग की बात करे। वो इसलिए कि सबसे जो ढंग की बात करने वाला अबुल कलाम आजाद है, वो भी आपका पैन इस्लामिस्ट था और मक्का में पैदा हुआ और सिलेबस चेंज कर दिया इंडिया का, ताकि कोई समझ ही नहीं सके कि राजा दाहिर कौन था। तो देखिए, इतने बड़े बड़े लतीफे हुए हिंदुस्तान के साथ कि एक शख्स जो वाहिद आदमी था जिसने पहला असॉल्ट ऑन इंडिया रोका, उसके नाम का जिक्र नहीं है आपकी सिलेबस पे, ना सड़क का नाम है ना कुछ है। एंड जो लोग कहते हैं कि औरंगजेब रोड क्यों नाम रखा है, उनके पीछे छोटे शकील जो हैं एक असैसिन को दिल्ली में भेजते हैं कि तारिक फतेह की गर्दन काटो। तो जिनको गारंटी है कि हमारा आदमी तो कुछ करेगा नहीं, मुसलमान है, उसको हर वक्त हर्ट रहता है, वो 24 घंटे हर्ट रहता है। वो अहमदियों को हर्ट कर देता है, वो यमन के अंदर 5 लाख मार देता है। यानी हमारा डिफॉल्ट पोजीशन ये है कि मैं हर्ट हूं और मुझसे ज्यादती होगी। अब तुमने हमला किया हिंदुस्तान पे, तुम आके यहाँ पना ले रहे हो, तुम कहां से बैठे हुए हो इंडियन सिविलाइजेशन को करने के लिए? मैं किसी भी जनरलाइजेशन के खिलाफ हूं, क्योंकि अच्छे इंसान हर तरफ होते हैं। देखिए, I agree with you. 90% of the Muslims are patriotic Indian nationalists. हमारे तो झगड़े वगड़े यहाँ कनाडा में होते रहते हैं, लेकिन they are scared of their own community. हर बच्चा का आदमी जिसकी दाढ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बड़े भाई का कुर्ता और पजामा पहन के, वो आपके दहशत करने गर्दन काटना उसका लिखा हुआ है। तारिक फतेह साहब, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ।